दोस्तों कैरवा में एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट सरकार से जुड़ी हुई है लेकिन सीधे सीधे मीडिया से ताल्लुक रखती है। और रिपोर्ट इस बात की है कि उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सरकार ने बनाया था और ये करीब 9 उसमें मंत्री थे, 5 कैबिनेट मंत्री थे, 4 राज्य मंत्री थे और उनकी रिकमेंडेशन पे रिपोर्ट तैयार की गई है। 97 पेज की रिपोर्ट है और उसमें मीडिया से जुड़े हुए, हालांकि कहा जा रहा है उसमें मीडिया, लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया और ख़ास करके जो प्लेटफॉर्म्स हैं OTT और फेसबुक ट्विटर तमाम उनके लिए रिकमेंडेशंस हैं और उसमें कहा गया है कि कैसे जो है इनको नियंत्रित किया जाए, उसमें सुझाव दिए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि उस रिपोर्ट में अभी तक इस देश के अंदर 2 सेक्शन ऐसे थे जिस पर सरकार का पूरा कब्जा हो गया था, जो मेन स्ट्रीम तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, इसके अलावा प्रिंट अखबार है, तो इस पर एक छत राज कह सकते हैं सरकार का चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से सोशल मीडिया खुलकर के सामने आया है और जनता की आवाज़ बना है, उससे सरकार परेशान हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताएं, ये रिपोर्ट तैयार की गई है उस दौर में जबकि देश के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, पैंडमिक था और कोरोना पूरे जोर पर था, मौतें हो रही थी, लॉकडाउन था, उस बीच इनकी बैठकें हुई हैं। और उसके साथ ही गलवान घाटी गर्म थी, चाइना उधर बॉर्डर पर घुस रहा था, उस दौरान ये सारी बैठकें हुई हैं और रिपोर्ट तैयार की गई है। तो आप समझ सकते हैं सरकार कितना महत्वपूर्ण मान रही है इस रिपोर्ट को, जिस दौर में तैयार की गई, जिस हिस्से के लिए तैयार की गई और जो उसकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि रिपोर्ट बेहद खास है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो शख्स हैं, इस रिपोर्ट को सामने लाने वाले जो शख्स हैं, क्योंकि जो तैयार की गई है सरकार ने तैयार किया लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसको मानने के लिए तैयार नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है जिसमें तमाम मंत्रियों से जब उसने संपर्क किया तो उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है भी, लिहाजा साफ समझ सकते हैं कितनी गोपनीय तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन कहिए तो जो खोजी पत्रकारिता है या अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और उस रूप में एक चेहरे के तौर पर हम लोग के सामने आता है कारवा और उसके पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर हरतोष सिंह बल का नाम। और इस समय हरतोष सिंह बल मेरे सामने हैं। हरतोष जी, जनजोग में आपका स्वागत है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तैयार करने की क्या जो है वजह है सरकार के लिए? देखिए, एक तो ये रिपोर्ट आपने शायद जिक्र किया कि मिनिस्टर्स इसको मानते नहीं हैं। मिनिस्टर्स ने शांति चुपी साधी हुई है और हिंदुस्तान टाइम्स ने दिसंबर में इस रिपोर्ट पे एक पीस आया हुआ है, काफ़ी डिटेल, बहुत अच्छा निशा दत्ता ने किया है, जिसमें मिनिस्टर्स के साथ बातचीत भी हुई है। और सरकार की तरफ से कई और नुमाइंदे हैं जिनसे बात की है, जो कहते हैं कि हमने इस रिपोर्ट के लिए मिनिस्टर से बात की है। तो जहाँ तक रिपोर्ट की सच्चाई है, अब तक इसके बारे कोई भी, अब सरकार की तरफ से कोई ये नहीं कह रहा है कि रिपोर्ट गलत है, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। जहाँ बात इस रिपोर्ट की है, पेंडेमिक चल रहा है, गलवान वैली की आपने बात की है, सरकार को इस बात की फिक्र थी कि पब्लिसिटी उनकी नेगेटिव हो रही है, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन की ये रिपोर्ट थी। तो इस रिपोर्ट से पढ़ के एक चीज़ सामने साफ आती है कि सरकार को जब गवर्नमेंट कम्युनिकेशन की बात करनी है, ज़्यादातर फोकस ये है कि सरकार को खुद लगता है कि उनकी परसेप्शन नेगेटिव है। ये अपने आप में ही बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि मीडिया के थ्रू जो भी परसेप्शन जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो वो तो बड़ी पॉजिटिव जा रही है। तो तभी आप देखेंगे, हालांकि ये रिपोर्ट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के बारे, इसमें किसी टीवी चैनल या मेन स्ट्रीम अखबार का कोई जिक्र नहीं, पूरा फोकस डिजिटल न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे है। तो लगता है सरकार को कि जो गिनी बची कुछ संस्थाएं हैं जो आज पत्रकारिता इस देश में कर रही हैं, वो हाथ में आप गिन सकते हैं, उनकी कवरेज से भी सरकार को दिक्कत है। वो ये नहीं चाहती हैं कि 90% या 95% या 99% मीडिया चैनल्स उनकी बात दोहराएं, वो चाहती है कि 100% जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सरकार की बात करें और कोई बात ना करें। अगर आपसे पूछें तो रिपोर्ट कैरवा में छपी भी है, हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ हाईलाइट्स जो खासकर जो रिकमेंडेशंस वो बताना चाहेंगे? देखिए, उसका ये सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि हमें डिजिटल न्यूज़ पे काबू करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन जो तब की गई थी, उसमें से 2 तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि कितना फॉरेन फंडिंग डिजिटल मीडिया में आ सकता है,
दूसरा ये जो हाल में ही जो डिजिटल मीडिया के ऊपर कंट्रोल की और OTT के ऊपर कंट्रोल की बात है उस रिपोर्ट में रिकमेंडेड है और सरकार ने इम्प्लीमेंट की है। तीसरी बात है कि जो सरकार सोचती है सोशल मीडिया या पत्रकारिता में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं जो सरकार के नरेटिव के अगेंस्ट लिखते हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग होए, उसके लिए एक मिनिस्ट्री में सेल भी बनाया गया है और उसको कैसे काउंटर किया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी ने एक शब्द इस्तेमाल किया इस रिपोर्ट में कि उनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। अब इस न्यूट्रलाइज शब्द के मायने कई होते हैं जब अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। अब इस न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कुछ हमारे पक्ष के पत्रकार सरकार कैसे खोजेगी, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी कैसे खोजेगी, कुछ एक नैरेटिव कैसे बनाएगी, ये सारी तरीके उसमें खुल के डिस्कस किए गए हैं कि हम अपना प्लेटफॉर्म शुरू करें, हम ऑप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म को समर्थन दें, हम इनके खबर को खारिज करने के क्या तरीके ढूंढें। कुछ पोकरान इफेक्ट है कि जिस तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की गई थी उसको एक PR की तौर तरीके पे दिखाया गया है। तो पूरा इसमें कहीं भी इस रिपोर्ट में सच और झूठ की बात नहीं कर रही है सरकार, ये बात नहीं कर रही है कि पत्रकारिता ठीक हो रही है, मुद्दों पे लेके हो रही है। वो यही चाहती है कि जो पत्रकारिता सरकार को एग्जामिन करती है, क्रिटिसाइज करती है, उस पत्रकारिता को कैसे खारिज किया जाए, कैसे रोका जाए। तो अगर आपसे पूछें तो ये आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है हर नागरिक को और उसमें मीडिया भी उसका हिस्सा होता है, क्या उसी को दबाने पर पूरी कोशिश है सरकार की? उसको कैसे दबा दिया जाए, वो बाहर ही नहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश है? कोशिश यही है कि ये जो स्वतंत्रता है और जिस तौर पे खुल के पब्लिक में बात होनी चाहिए, किसी भी जमहूरियत के लिए ये बातचीत बहुत ज़रूरी है। जब तक सरकार को मीडिया एक क्रिटिकल नज़र से नहीं देखती है तो जमहूरियत चल नहीं सकती है, क्योंकि अपनी जमहूरियत में कोई और तरीका नहीं है सरकार को एग्जामिन करने का। वोटर साल 5 साल में एक बार ही अपने लेजिस्लेटर को देखता है, पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन होती है, पर वोटर का इन 5 सालों में सरकार के प्रति क्या एग्जामिनेशन रहे, सरकार के प्रति क्या नज़रिया रहे, वो तो सिर्फ मीडिया कंट्रोल करता है। इन्होंने वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद की हुई हैं, सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं जो प्रोपोगेंडा नहीं है। तो बच के जमहूरियत में क्या रह जाता है कि वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं जो सरकार के बारे सवाल उठाते हैं वो ही रह जाते हैं। अगर आप उन्हें भी बंद कर देते हैं तो इस पूरे दौर में ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे ही एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। इसमें दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, एक स्मृति ईरानी के हवाले से आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी लिस्ट तैयार की जाए जिसमें कि जो 50 लोग ऐसे हो या ऐसे लोग कौन समर्थक है कौन विरोधी उनको चिन्हित किया जाए। और इसके साथ एक और सज्जन है जो पत्रकार रहते हुए उन्होंने एक सुझाव, नितिन गोखले, उन्होंने सुझाव दिया है कि पट्टा पहना जाए उसमें जो है ब्लैक ग्रीन और वाइट, ये क्या मसला है? देखिए मसला इतना ही है कि हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि पत्रकार हमारे समर्थक हैं, हमारे विरोधक हैं या बीच में न्यूट्रल हैं। वो ये नहीं देखना चाहते कि आदमी पत्रकारिता ठीक कर रहा है कि नहीं, उनका नज़रिया बस ये है कि आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ़ हैं और आपको काउंटर हमें कैसे करना है। उसमें जहाँ तक नितिन गोखले की बात है वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कही नहीं, पर अगर ऐसी चीज़ कही नहीं तो वो सरकार से जाके सीधे खुल के क्यों नहीं कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने खुद ही गलती की है। कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिनका नाम आया है, बिल्कुल उन्हीं के बारे में पूछना है। जो 12 पत्रकारों का नाम आया है जी, किस हैसियत से गए कि वहाँ जो है जो बातचीत हुआ उसको आप खारिज कर रहे हैं? देखिए जब रिपोर्ट छापने के पहले इनमें से कई से कॉन्टेक्ट किया, कई सिर्फ एक ही जैन घोषाल जो थे वो रिकॉर्ड पे आए, उन्होंने कहा हमें गालवान वैली पे ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसके बाद शायद इंडियन एक्सप्रेस के रवीश तिवारी का भी बयान इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि वो भी इस बात को दोहराए हैं। मेरे को 4 और जर्नलिस्ट ने यही बात कही थी, तो हमने वो बात अपनी रिपोर्ट में छापी थी कि रिपोर्टर्स का ये कहना है, पर सरकार ने रिपोर्ट तब भी छापी है। तो ये रिपोर्टर्स जो हैं, जो बाकी 10 या 11, इनको सरकार से सीधे सवाल पूछने चाहिए कि आपने इस मीटिंग को इस तरह क्यों पेश किया है। अगर इन्हें लगता है सरकार ने गलती की है तो ये गलती सरकार के सामने खड़े होकर इन्हें सवाल पूछनी चाहिए, मुड़ के सवाल जिन्होंने रिपोर्टिंग की है उनसे पूछ रहे हैं। तो इनको पहले तो ये अपना नाम नहीं देना चाहते थे, सरकार की रिपोर्ट में इनका नाम था तब भी उसे खारिज करने को तैयार नहीं थे, अब सरकार के सामने खड़े होने से डरते हैं, जबकि नाम इनका रिपोर्ट में सरकार ने डाला है, हम लोगों ने नहीं डाला है। तो सवाल इन्हें सरकार से उठाने चाहिए, वो वहाँ पे थे,
उनकी जो भी बातचीत हुई है सरकार ने एक उसकी समरी दी है और वो लिख के वो बुलेट पॉइंट्स में डाल दिए हैं। अब ये सब ये तो सरकार ही बता सकती है कि ये किस बेसिस पे ये बुलेट पॉइंट्स उन्होंने उसके नाम के अगेंस्ट दिए हुए हैं, पर रिपोर्ट में ये बात है। ये जो मीडिया गाइडलाइन नई सरकार की जारी हुई है, अगर आपसे पूछें कि जो रिपोर्ट आई है उनकी जो रिकमेंडेशंस है वो मीडिया गाइडलाइन में कितनी कवर की गई है और वो क्या क्या किस तरह से प्रभावित करने जा रहा है सोशल मीडिया को? देखिए, जो ब्रॉड स्तर पे जो इस रिपोर्ट का थ्रस्ट यही है ना कि किस तरह से हम नैरेटिव को कंट्रोल करें, हमारे खिलाफ जो नैरेटिव है वो ना आए, तो गाइडलाइंस या ओटीटी रूल्स या जो बाकी चीज़ें हैं सब में यही बात दोहरा जा रही है, चाहे खुल के आए या पीछे उसका जो मंशा है वो साफ हो जाती है कि जो भी ऐसा नैरेटिव है जो सरकार के खिलाफ जाए उस पर किसी ना किसी तौर से ऐसा दबाव डाला जाए कि वो नैरेटिव सामने ना आए। और ये मंशा हमें रिपोर्ट में भी दिखती है, बाकी रूल्स में भी दिखती है, जो केसेस जर्नलिस्ट पे बार बार फाइल हुए हैं, जो इनकम टैक्स की रेड, बॉलीवुड में भी जाके जो लोग सरकार के खिलाफ अगर सोशल मीडिया पे जिन्होंने आवाज़ उठाई है, तो अब सी पन्नू या कश्यप, उनके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि रेड हो रही, तो ये तो एक साफ पैटर्न सामने उभर के आ रहा है। अगर आपसे पूछें तो देखिए, आपने चिन्हित भी किया है कि मेनस्ट्रीम मीडिया तथा कथित जो तो इनके कब्जे में है, दो चीज़ें जो इनके खिलाफ जा रही थी, एक तो सोशल मीडिया डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, दूसरा जो इंटरनेशनल मीडिया है। तो आप 26% कैप लगा कर उसको चेक करने की कोशिश किया जो अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है, कि ये दोनों हिस्से, और अगर आपसे पूछे क्योंकि आप भी जो है कमोबेश उसी हिस्से से आ जाते हैं पत्रकार के तौर पर, इसको कैसे रोका जाए, इसके खिलाफ लड़ाई, क्योंकि अब तो लग रहा है कि एक आखिरी जो एक उम्मीद बची थी, जो ऑक्सीजन पत्रकारों के लिए ऑक्सीजन जहां से मिल रही थी उसको भी बंद करने की कोशिश है, तो ये कैसे इस मामले को खत्म किया जा सकता है या सरकार को कैसे ये झुकाया जा सकता है? देखिए, एक जो बाहर जमहूरियत की लड़ाई है, ये लड़ाई पत्रकार नहीं, एक ये राजनीतिक लड़ाई है हमारी, जो हमारा जो काम है कि हम रिपोर्टिंग करते हैं और जहाँ तक इस रिपोर्टिंग को हम बुलंद कर सकें, ये आवाज़ हम प्रस्तुत कर सकें, ये जो जो कुछ रिपोर्टाज जो फैक्ट्स पे बेस्ड है हम लोग जाके करते हैं, तो वो हमारा काम है और हमें वो करते रहना चाहिए, सरकार के दबाव या डर से हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी जो है इसके आगे जो नीतिक विरोध होता है, जो लोगों के बीच में सोच विचार होता है, उसके नज़रिए अपने रहते हैं, हमारा काम पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है और हमें वो काम करना ज़रूरी है, बस हम लोग इतना जानते हैं। उसी में हमने पढ़ा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अगर सरकार चाहे तो इमरजेंसी में हस्तक्षेप कर सकती है और उसको बंद कर सकती है, अगर ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि 50 बहाने होते हैं किसी चीज़ को लागू करने के आती हैं, फिर उसमें हमारे पास चारा क्या होगा, विकल्प क्या होगा फिर? देखिए, ये सिर्फ समाज के एक पहलू या एक प्रोफेशन की दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि पत्रकारिता के अभाव में पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का सवाल, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जुडिशरी क्या करती है, आम लोग इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ पत्रकारिता पत्रकारिता को नहीं संभाल सकती, हम पत्रकारिता कर सकते हैं, पत्रकारिता को संभालने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को संभालने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को संभालने के लिए पत्रकारिता के साथ जुडिशरी की भी ज़रूरत है, लोगों की राय की भी ज़रूरत है, यही चीज़ें मिलके जो कुछ हो रहा है उसको रोक सकते हैं, कोई एक अंश या कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक इंस्टीट्यूशन इसको नहीं रोक सकता। अभी जो एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है अमेरिका वाली US फ्रीडम की, वो क्या वो चीज़ भी इसमें झलकती है जिस तरह से कर्व की जा रही लोगों की फ्रीडम, तमाम इस तरह संस्थाओं को जिस तरह से अपने कब्जे में ले रही है सरकार, तो क्या वो माना जाए उसी का एक्सटेंशन है या वही रिफ्लेक्ट कर रहा है उस रिपोर्ट में? देखिए, उन्होंने जो कुछ कोई भी ऑब्जेक्टिवली इस देश को आज देखे, तो पिछले जब से नरेंद्र मोदी आए 2014 में, कांग्रेस के टाइम पे भी काफ़ी कमियां थी मीडिया में और काफ़ी कंट्रोल किया गया था, पर इस स्तर पे, इस पैमाने पर और इस सेंट्रलाइज तरीके में पहले नहीं हुआ था, और पिछले 2 सालों में ये काफ़ी हद तक और बढ़ गया है कि मेनस्ट्रीम मीडिया पे काबू करने के बाद आज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स पे जहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिल्ली के जो भी बीजेपी से मिलके जो दंगे कराए गए हैं सरकार के, उस पे रिपोर्ट करते हुए उन पे हमले हुए हैं, किसान आंदोलन को कवर करते हुए एक हमारे कंट्रीब्यूटर मंदीप पुनिया को अरेस्ट किया गया है, हमारे मालिकों पे, हम मेरे
कुलीग विनोद जोश जो एग्जीक्यूटिव हेड रहे हैं उन पर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये तो कोशिश है ही है कि दबाव बनाए रखें कि जो अब बची है जितनी पत्रकारिता उसको भी चुप कराया जाए। अब आखिरी सवाल देखिए, इमरजेंसी के दौरान प्रेस सेंसरशिप थी, अपने तरह से पूरा जो है पहले तो उसको बंद कर दिया गया था, और इस दौर में कोई घोषित इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अपने तरीके की सेंसरशिप और ये सब पहलू आ रहे हैं जो अभी रिकमेंडेशन के तौर पर दिख रही है, तो कैसे अलग है और कैसे एक दूसरे से जुड़ता भी है? देखिए, जुड़ता इतना है कि सरकार चाहती थी तभी नैरेटिव पे कंट्रोल होए और आज भी नैरेटिव, पर अगर हम स्पष्ट तौर पे देखें तो जो आज हो रहा है उसमें चालाकी कही जा रहा है। मैं चालाकी पॉजिटिव तौर पर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तब तो सबको मालूम था कि मीडिया पर सेंसरशिप की जा रही है। अब इस समय मीडिया को अंदर से खोखला करके मीडिया के अपने मुंह से ही बुलवा जो सरकार बुलवाना चाहती है बुलवाया जा रहा है। इसमें हक जो चैनल्स हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो इमरजेंसी के टाइम पे डर के उनके घुटने नीचे कर दिए गए थे, अब तो ये लोग मिल के सरकार को अपना कंधा दे के उनके साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा डर है, थोड़ा बहुत ये सरकार के जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो एंटी माइनॉरिटी है, जो एक पूंजीवादी सोच, उसमें मीडिया मिली हुई है, सिर्फ दबाव नहीं है उसमें, मीडिया शामिल है ये सब जो हो रहा है सरकार में। तो उस समय में तो जो आज हो रहा है मीडिया के साथ और फ्री एक्सप्रेशन के साथ, कि इमरजेंसी से कहीं ना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तब तो आम जनता जानती थी सरकार क्या कर रही है। आज तो आम जनता को पता भी नहीं चलता है कि जो वो 9 बजे की न्यूज़ देख रहे हैं उसके पीछे क्या क्या पैंतरे चल रहे हैं, किस तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है और किस तरह से झूठ और सच को मिक्स किया जा रहा है। अब आखिरी सवाल अगर आपसे पूछे, हम लोग मीडिया से आते हैं और मीडिया के बड़ा हिस्सा, खुद उसमें कहा गया 75% लोग कमोबेश सरकार के पक्ष में, 25% है जिनको अपने काबू में करना, अपने नियंत्रण में लेना है। ये जो 75% है, क्या सही में सारे के सारे चले गए हैं? उसमें कोई हिस्सा बचा है जो किसी मजबूरी में अभी है अपने पेट रोजी रोटी के चलते, और अगर कोई मौका मिले तो उस पर शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि 75% पत्रकार सरकार के साथ चले गए हैं। जहाँ तक मैं जहाँ भी मिलता हूँ, चाहे उनकी सोच थोड़ी सरकार से मिलती भी हो, पत्रकार जो है वो चाहता है कुछ अपने काम पे उसका अपना सम्मान होना चाहिए, लोगों में भी रिस्पेक्ट हो, लोग भी समझते हैं कि मीडिया के साथ क्या हो रहा है। 75 से ज़्यादा कहीं 90% जो मालिक और मालिक के अपॉइंटेड एडिटर्स हैं वो सरकार के साथ चले गए। तो जब ये होता है तो बाकी जो नीचे पत्रकार हैं उनके पास ज़्यादा चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मालिक या मालिक के अपॉइंटेड जो नुमाइंदे जो एडिटर बने हुए हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी नौकरी चली जाती है, आपको कहीं काम करने की जगह नहीं रह जाती है, तो इसके अभाव में आप काम कैसे कर सकते हैं? तो मेरे को लगता है ये कहना गलत है कि पत्रकार सारे के सारे, पर जो पत्रकारिता को कंट्रोल करते हैं लोग वो काफ़ी हद तक सरकार के साथ है। अब आखिरी सवाल जो मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ इंटरव्यू, अभी ये एटीएस गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो है आलोचना की है, जो इनका गाइडलाइन आया है मीडिया पर जी, तो जो संस्थाएं हैं अपने तरीके से कुछ बोलती हैं करती हैं, लेकिन एक जो इनका कोई एक दबाव बनना चाहिए, जो पत्रकारों के कोई प्लेटफार्म जो सड़क पर भी जरूरत पड़ने पर उतरे इन सब चीज़ों पे, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या उसकी ज़रूरत है? देखिए, मैंने बताया कि जो अपोजिशन होनी चाहिए, पत्रकारिता का काम जो है उसी के थ्रू होती है, कुछ हद तक यूनियंस या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी शोर उठाना पड़ेगा। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बात पत्रकारिता से भी बड़ी है, लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि अगर पत्रकारिता, वो चाहे आइडियोलॉजिकली एक पत्रकार के साथ सहमत ना रहे, पर उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि जो रिपोर्टाज पत्रकार कर रहा है उसके अभाव में जो डेमोक्रेसी जिसमें वो वोट की राइट एक्सरसाइज करते हैं वही डेमोक्रेसी मर जाएगी। तो अगर आप आइडियोलॉजी या अपने टीम या मोदी मोदी करके पत्रकारिता को ख़त्म करेंगे तो कल जब आपको दिक्कतें आएंगी तो आपकी बात करने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। जब आपके लिए आपके ऊपर खतरा आएगा तो आपके लिए कोई रह नहीं जाएगा बात करने के लिए। और कहते हैं कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो सरकार ने तोप सामने खड़ा कर दिया है और अखबार का मुँह भी और रास्ता भी वो बंद कर दी है। ऐसे में देखना पड़ेगा रास्ता क्या बचता है। जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।